लंबी देरी के बाद लेकिन आखिरकार इंदौर की महापौर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो कल घटना हुई वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मामले पर महापौर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, परिवार में हुई मेडिकल इमरजेंसी के चलते वह इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। महापौर ने कहा कि पार्टी कल प्रशासन के खिलाफ धरना दे रही है, वही उसका हिस्सा बनेगी। हालांकि आकाश विजयवर्गीय द्वारा की गई घटना और उनके पूछे जाने के मामले पर वह बचती नजर आई। हालांकि कुछ लोगों ने इससे पहले हुई चर्चा में महापौर ने कहा था कि आकाश को किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले उनसे चर्चा कर लेना चाहिए थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद महापौर अपने बयानों से पलटती हुई नजर आई। इंदौर से दीपक छाबड़ा की रिपोर्ट। बाद में जानकारी मिली क्योंकि मेरी पोती जो 5-6 दिन पहले मेरे बेटे की बिटिया हुई है वो ICU में एडमिट थी, मुझे बाद में इसकी जानकारी मिली और जो भी घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल प्रशासन के खिलाफ हमारा पार्टी का धरना प्रदर्शन है। जिस प्रकार से प्रशासन कांग्रेसीकरण कर रहा है उसके खिलाफ हमने कल धरना रखा। मैडम ऐसे में कहीं कहीं विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है, आपसे मैं पहले चर्चा की चुकी जी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको कम से कम एक बार सूचना दे ताकि कहीं ना कहीं उससे मदद भी मिलती। आकाश जी ने आपसे बात की थी इस मामले में? एक मिनट नहीं, सुनिए, हम महापौर से बात करने के लिए आए हैं।